डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खजाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन से जो हमें डेटा मिलता है हम उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाइपोथेसिस है हाइपाथिस देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन अचीवमेंट स्कोर्स ऑफ कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप स्टूडेंट्स स्टार्ट थ्रू ट्रेडिशनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड्स इन मैथमेटिक्स ठीक है दो मेथड्स हैं उनका कंपैरिजन करना है कि कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है अच्छा अगर आपके पास सिचुएशन ये हो कि रैंडम असाइनमेंट यानी ग्रुप्स के अंदर जो कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके अंदर अगर रैंडम असाइनमेंट पॉसिबल ना हो तो फिर हम कोजई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को ऑप्ट करेंगे ठीक है अच्छा इसमें आप सबसे पहले आ, एक स्कूल सेलेक्ट करेंगे कन्वीनियंट बेसिस पे या पर्पजिव बेसिस पे परपजिव ये कि अगर कोई क्राइटेरिया है जो आपने फिल करवाना है फुलफ़िल होना चाहिए तो ऐसा स्कूल सेलेक्ट करेंगे या फिर आ, अगर आपके करीब स्कूल है और आपको हड मास्टर की तरफ से इजाज़त है तो आप कन्वीनियंट भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं ना आप ये भी कर सकते हैं बाज़ा एक स्कूल की बजाय दो डिफरेंट स्कूल्स सेलेक्ट कर लें जो एक ही लोकेलिटी में हों जिनके काफ़ी सारी करेक्ट्रिस्टिक्स मिलती हुई हों तो एक को कंट्रोल और एक को एक्सपेरिमेंटल एक ग्रुप के तौर पे लिया जा सकता है उनके अंदर क्लासेस को अच्छा जी स्कूल सेलेक्ट करने के बाद आपने इंटैक्ट क्लासेस ले ली दो और एक क्लास को आपने कंट्रोल ग्रुप कह दिया दूसरे को आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कह दिया अच्छा अब देखिए कि आपने कंट्रोल ग्रुप का प्री टेस्ट लिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का प्री टेस्ट लिया इसी तरह ट्रीटमेंट दी उनको एक को ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा दिया एक को प्रॉब्लम सॉल्विंग से और फिर दोनों के पोस्ट टेस्ट आपने ले लिए ठीक है जी अब सवाल ये पैदा होता है कि इफ़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज़ फाउंड इन द मीन स्कोर्स ऑन प्री टेस्ट यानी प्री टेस्ट के ऊपर अगर हम इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट यहाँ पर लगाएं इन, इनके स्कोर्स के ऊपर और हमें पता चले कि यहाँ पर जो है वो सिग्निफिकेंट uh, फर्क जो है वो आ गया है यानी प्री टेस्ट के ऊपर जो है वो मीन स्कोर्स में फ़र्क पाया जाता है तो फिर हम क्या करेंगे फिर हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम अनकोवा कहते हैं ठीक है फिर हम वो अप्लाई करेंगे अगर प्री टेस्ट के ऊपर सिग्निफिकेंट फर्क आ गया इंडिपेंडेंट साम्पर टीचर्स लगाने से फिर आप अनकोवा यूज़ करेंगे ठीक है अनकोवा में आप क्या करेंगे कि प्री टेस्ट के स्कोर्स को आप को वेरिएट सेक्ट कर लेंगे जब आप अनकोवा अप्लाई कर रहे होंगे एस पी एस एस के अंदर तो वहां पर को वेरिएट के जो वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे वहां पर आप प्री टेस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है और उसके बाद आप क्या करेंगे जो पोस्ट टेस्ट है कंट्रोल ग्रुप का पोस्ट टेस्ट का स्कोर और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पोस्ट टेस्ट का स्कोर उनको आप उनका आप कंपैरिजन करेंगे उनके मीन स्कोर कंपेयर होंगे लेकिन ये जो प्री टेस्ट का इफेक्ट है ये मिनिमाइज हो जाएगा ठीक है यानी पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप के पोस्ट टेस्ट और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पोस्ट टेस्ट का डिफरेंस मीन स्कोर का डिफरेंस आएगा हमारे पास और उस उस वक्त जो प्री टेस्ट है उसको को वेरिएट के तौर पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा यानी जो एग्जिस्ट कर रहा था डिफरेंस बिफोर ट्रीटमेंट उसको को आ, को वेरियट सेलेक्ट करने के बाद वो डिफरेंस कंट्रोल हो जाएगा अनकोवा से और पोस्ट टेस्ट का रिजल्ट आपके सामने आएगा अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर डिफरेंस प्री टेस्ट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता मसला आपने इंडिपेंडेंट साम्पल टी टेस्ट लगाया प्री टेस्ट स्कोर के ऊपर तो हमें पता चला कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस वाज फाउंड ठीक है तो फिर आपके आपके पास दो ऑप्शन हैं या तो आप ये करें कि पोस्ट टेस्ट का जो स्कोर है कंट्रोल ग्रुप का और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का उसके ऊपर स्ट्रेट अवे इंडिपेंडेंट हम पर टी टेस्ट लगा दें तो भी आपका एनालिसिस हो जाएगा और अदरवाइज आप क्या करेंगे आप गेंद स्कोर निकालेंगे मसलन गेंद स्कोर कैसे निकलेगा देखें आपका प्री टेस्ट था कंट्रोल का ये ट्रीटमेंट और ये पोस्ट टेस्ट अब आप गेंद स्कोर कंट्रोल ग्रुप का गेंद स्कोर कैसे निकालेंगे पोस्ट टेस्ट के स्कोर में से प्री टेस्ट के स्कोर को माइनस कर दें ठीक है तो ये कॉलम आ जाएगा आपके पास इसी तरह जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके भी पोस्ट टेस्ट में से प्री टेस्ट के स्कोर को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास दूसरा ग्रुप आ जाएगा गेंद स्कोर का इन दो जो गेंद स्कोर्स हैं इनके ऊपर हम जो है वो इंडपेंडेंस नाम पर टी टेस्ट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स आ जाएंगे कि कौन सा मेथड जो है वो इफेक्टिव है या ज़्यादा फ्रूटफुल है ठीक है जी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दें अल्लाह हाफ़